गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पिंकी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी डिपार्टमेंट। आपको एमए फाइनल में आपका फिफ्थ पेपर पढ़ा रही हूँ, अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी। इसमें हम सेकेंड यूनिट का टॉपिक एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं, और इसमें जो फिलॉसफर हम अभी पढ़ रहे हैं वो है जॉन पॉल सार्त्र। सार्त्र की लास्ट क्लास में हमने सार्त्र की नास्तिकता कह सकते हैं या सार्त्र का निरीश्वरवाद कह सकते हैं, जैसे मैंने एथिज्म के टाइटल से डाला है, सार्त्र एथिज्म, सार्त्र की नास्तिकता। सार्त्र नास्तिक क्यों है ये मैंने आपको बताया था कि सार्त्र ये मानता है कि मानव की स्वतंत्रता के साथ ईश्वर का विचार मेल नहीं खाता, इसीलिए वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। बाकी ईश्वरवाद या निरीश्वरवाद को स्थापित करने या खंडन करने में उसकी दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ, या हम ये कह सकते हैं कि उसके जो रुचि का विषय है या जो उसका मुख्य उद्देश्य, जिस विषय को आपको समझाना है, जिसके बारे में अपने विचार रखने हैं, वह है मानव अस्तित्व, उसका विश्लेषण, मानव चेतना, उसके बारे में बात करना, मानव की स्वतंत्रता के बारे में बात करना। आज हम एक कोटेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो बहुत, हम ये कह सकते हैं, बहुत फेमस कोटेशन है, जिसे अस्तित्ववाद को ये कह सकते हैं कि उसे कोटेशन के माध्यम से अस्तित्ववाद को समझाया जा सकता है। ये कोटेशन सार्त्र ने दिया है, जिसे सार्त्र कहता है कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है? पूर्ववर्ती आप समझते हैं, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। अस्तित्व का मतलब यहाँ पर सिर्फ होना नहीं है, अपने होने की अनुभूति के साथ होना है, मतलब जागरूक होकर होना है, आत्मचेतन होकर होना है। और सार क्या है? सार, जैसे मैंने बताया, जब यहाँ पर सार्त्र सार की बात करता है तो कोई बहुत नया टर्म नहीं है, हमने फिलॉसफी में बहुत पढ़ा है। लगभग सभी पाश्चात्य दार्शनिक हो या भारतीय दार्शनिक हो, ये मानकर चलते हैं कि मानव का एक सार है, मानव की कुछ सामान्यता है, या वो ये मानते हैं कि हर वस्तु में कुछ सामान्य होता है, ठीक है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं सामान्य एक ऐसा तत्व माना जाता है, एक ऐसा विचार माना जाता है, कोई इसे नाम भी मानता है, जिसके आधार पर आप किसी एक वर्ग की सारी वस्तुओं में एकता स्थापित कर देते हैं, या ये बताते हैं कि उनमें क्या समान है, वो सामान्य है। जैसे मानव के बारे में कहा जाता है कि मानव विवेकशील प्राणी, अब ये सभी मानवों के ऊपर लागू करने वाली बात है, तो सामान्य ऐसा ही माना जाता है। और इसी के लिए सार्त्र कहता है कि जब पश्चिमी दर्शन, सार्त्र से पहले का पश्चिमी दर्शन ये कहता है कि इस तरीके का सामान्य या सार मानव के अस्तित्व से पहले है, तो सार्त्र इसको नकारता है। हालांकि जनरली ये विचार चलता है कि मान लीजिए मुझे कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी को बनाने से पहले मेरे दिमाग में उसका विचार हुआ कि कुर्सी कैसे बनेगी, दूसरा उसका क्या इस्तेमाल होगा, तो कुर्सी का विचार कुर्सी के होने से पहले मेरे दिमाग में, सारी वस्तुओं के संबंध में ये बात लागू होती है। इसी को ईश्वरवादी दार्शनिक या प्रयोजनवादी दार्शनिक या भाववादी दार्शनिक ले जाकर ईश्वर पर भी लागू कर देते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, मानव को भी बनाया, तो मानव के होने से पहले मानव का विचार ईश्वर के मस्तिष्क में या ईश्वर की विचार में कही है, तो मानव है बाद में, पहले उसका सार हो गया, क्योंकि मानव का कोई खाका होगा जो ईश्वर के दिमाग में होगा, उसके विचार में होगा, उसके अनुसार उसने मनुष्य को बना दिया। अब प्लेटो भी इस बात का समर्थन करता है, प्लेटो ये कहता है, प्लेटो ने दो तरीके की जगत की बात की है, एक प्रत्ययों का जगत, विचारों का जगत, और एक ये वास्तविक जगत, वस्तुओं का जगत। तो वो कहता है कि पहले विचारों का जगत है, उसके अनुसार ये वस्तुओं का जगत है, ये वस्तुएँ उसकी कॉपी हैं या उसमें अंश हैं, बहुत तरीके की बातें कहने की कोशिश करता है प्लेटो, उन दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए, लेकिन प्लेटो इसको सपोर्ट करता है कि विचार पहले होता है। अरस्तु भी कुछ ऐसी ही बात कहता है, अरस्तु ये कहता है कि जो आकारिक कारण होता है, वो आकारिक कारण अन्य कारणों से पहले होता है, मतलब मेरे दिमाग में कोई कुर्सी बनानी है तो उस कुर्सी का विचार है, उस कुर्सी का आकार है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस वस्तु को बनाता हूँ, या कोई भी उस वस्तु को बनाता है। सार्त्र इन सारे विचारों को नकार देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है,
मानव के संदर्भ में इस बात को लागू नहीं कर सकती, ये बात वस्तुओं के संदर्भ में लागू हो सकती है, लेकिन ईश्वर के विचार को तो शास्त्र वैसे ही नकार देगा। हम जानते हैं इसके पीछे वजह यह है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि उसे लगता है कि मानव की स्वतंत्रता और ईश्वर का होना ये एक दूसरे से असंगत है। हमने ये देखा था कि शास्त्र ये कहता है कि मानव को अपने अस्तित्व की जो पहली अनुभूति होती है उसमें वो अपने आप को स्वतंत्र पाता है, अकेला पाता है, वहाँ ईश्वर नहीं होता, इसीलिए वो अकेला है, उसे ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। मतलब मानव के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए कहीं पर भी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ईश्वर आदि विचार तो मानव के मस्तिष्क में बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले मानव होता है। मान लीजिए शिशु है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रतिक्रियाओं का एक पुंज मात्र है, जिस पर आप कुछ एक्ट करेंगे तो कुछ रिएक्ट करेगा, उसे अपने अस्तित्व की अनुभूति नहीं है। और ऐसा भी है कि कई इंसान पूरी उम्र बिना अस्तित्व की अनुभूति के निकाल देते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है कि मैं हूँ, मेरे होने का क्या मतलब है, मेरे अलावा अन्य लोग भी हैं, और वो अपने होने से कैसे मेरी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, मैं अपने होने से कैसे उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता हूँ। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि मानव सबसे पहले होता है, उसके बाद वो तय करता है कि उसे क्या होना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट, जैसे मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मानव का जीवन एक प्रोजेक्ट की तरह है, जैसे ही उसे अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है वो ये तय कर लेगा कि उसे क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन ये जो बात प्रयोजनवादी कहते हैं कि नहीं मानव के बारे में बहुत कुछ तय है, इसको भी हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से नकारा जा सकता है कि मानव के बारे में कहा जाता है कि मानव बहुत विवेकशील प्राणी। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, लेकिन हम सामान्यतः ऐसा नहीं देखते, मानव तो बहुत भावुक प्राणी है। मानव अपने विवेक के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि 90% मानव अक्सर भावनाओं के आवेग में ही अपने निर्णय लेते हैं, फिर भले ही उसके नतीजे कुछ भी हो। तो ये बात भी संगत नहीं बैठती। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि जो सामान्य वस्तुओं के बारे में विचार प्रचलित है कि उनका सार जरूर उनके अस्तित्व से पहले हो सकता है, लेकिन मानव के संदर्भ में ऐसी बात लागू नहीं है। इसलिए वो ये कहता है कि हमेशा अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती होगा, अस्तित्व पहले होगा और उसके बाद मानव किसी सार पर पहुँचेगा। अक्सर ईश्वरवादी प्रयोजनवादी ये बात रखते हैं कि मानव के सामने दो रास्ते हैं, वो या तो ईश्वर हो जाए अपनी त्रुटियों को सुधारते सुधारते, या फिर वो शैतान बन जाए अपनी कमियों के साथ। तो मतलब उसको ईश्वर बनना है, उसको पूर्ण होना है। ये बात अक्सर सभी भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि उसको मोक्ष प्राप्त करना है, उसको पूर्ण होना है। कई पश्चिमी दार्शनिक भी ऐसी बात कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसको नकारते हैं। शास्त्र कहता है कि मानव कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णता अचेतन सत का लक्षण है, मतलब पूर्णता वस्तुओं का लक्षण है। वस्तु अपनी सारी उपयोगिता के साथ उजागर हो जाती है एक ही बार में। जैसे आप किसी कुर्सी को बना देते हैं तो आपको पता है कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा अगर वो टूटती फूटती तो आप उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कम से कम उसका बैठने का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। मान लीजिए आप उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो कुर्सी के रूप में काम में नहीं आएगी। तो कोई वस्तु है जो एक बार में बनाने पर अपनी पूर्णता जाहिर कर देती है, या हम उसमें उसकी पूर्णता थोप देते हैं, या हम उसकी पूर्णता उसके साथ ही बना देते हैं, लेकिन मानव के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मानव कभी अपनी पूर्णता को नहीं पा सकता, क्योंकि पूर्णता जड़ वस्तुओं का लक्षण है। जड़ वस्तुएं पूर्ण होती हैं, मानव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, वो कोशिश कर सकता है कि वो अपनी त्रुटियों को सुधारे, या अपनी त्रुटियों को बर्दाश्त करे और उसके बाद ऑथेंटिक लाइफ जिए, एक प्रमाणिक लाइफ जिए, लेकिन ये बाद की बात होगी। पहले शास्त्र का लब्बोलुभाव यही है कि मानव कभी भी अपने अस्तित्व से पहले अपने सार को नहीं जान सकता, और ना सार जैसी कोई चीज़ होती है, वो ईश्वरवादियों की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। शास्त्र का जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है, उसके अनुसार सत्ता के तीन आयाम हैं, वो तीन तरीके की चेतन सत्ताओं को, या सही कहूँ तो तीन तरीके की सत्ताओं को स्वीकार करता है। वो सत्ताएँ कौन सी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।